स्टडी विद कलीम या स्टडी विद कलीम में आप लोगों का स्वागत है। डियर इन्वेस्टर, बहुत सारे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा मेरे ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं सभी का जवाब नहीं दे पाया। और बहुत सारे दोस्तों ने कॉल भी किए तो मैं सभी का तो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उतना जवाब देना मेरे बस की बात ही नहीं रह रही है। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो मैं आपके क्वेश्चन पे ही एक वीडियो बना दिया हूँ। और दूसरा चीज़ है कि मुझे आपसे एक हेल्प भी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग देखते हैं मेरे वीडियो को और मैं भी आप लोगों की हेल्प ही करता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक लाइक तो कर दिया करिए। लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो उससे थोड़ा सा मेरी वीडियो हाईलाइटेड हो जाएगी, रिकमेंडेड में आ जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दिया करें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ये आया कि सर कब तक पैसे अमाउंट मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको पता ही होगा कि इसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर था। फिर लोगों मतलब कि वहाँ पे कई लोगों ने मेल किया कि डेट बढ़ा दीजिए, तो वो डेट बढ़ाए और अभी तक वो फॉर्म वो क्लेम फॉर्म भरा ही रहा है। तो अब आप ही बताइए कि वो इतने जल्दी कैसे, मतलब आपके जो क्लेम फॉर्म भरे हैं तो उसका उसे चेक भी तो वो लोग करेंगे, जब तक चेक नहीं करेंगे पैसा कैसे देंगे। तो वो अभी तो क्लेम फॉर्म भरा रहे हैं तो अभी पैसा भी थोड़ा जल्दी मिलना मुश्किल ही है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ कि देखिए वो लोग जबकि लिखित मतलब मेल किए थे कि पेमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्बर्समेंट टू इन्वेस्टर्स 70% ऑफ डिस्बर्समेंट विल बी पेड थ्रू नेफ्ट NEFT मोड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक दिसंबर 2018, यानी कि पहले जो दिसंबर के फर्स्ट वीक है उसी टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक देख ही रहे हैं कि 3-4 तारीख हो गया और अभी तक क्लेम फॉर्म ही भरा रहा है। तो अभी क्लेम फॉर्म भरा रहे तो अभी तो वो चेक करेंगे, उसके बाद ही तो पैसा भेजेंगे। और दूसरा चीज़ है कि ये तो कमेटी है और वो चेक करेगी तभी पैसा देगी, और इतना जल्दी तो चेक भी नहीं कर पाएगी। इतने लोगों का, आप ही सिर्फ एक ही लोगों का तो है नहीं, 100 200 लाखों लोगों का है, तो इसलिए उनका वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। और एक क्वेश्चन आया है कि माई डॉटर है शिफ्टेड US आफ्टर मैरिज, सी डज नॉट द एनी अकाउंट इन इंडिया। तो जब आपका अकाउंट इंडिया में नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? वो तो NEFT के द्वारा मिलेगा, जब अकाउंट इंडिया में रहता तो मिलता। और एक क्वेश्चन है, माई डॉटर नेम राजकुमारी आफ्टर मैरिज रीना देवी, बैंक अकाउंट आधार कार्ड रीना देवी, तो इनका कैसे होगा? तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ इनको, शायद कई बार ये मैं बताया हूँ कि अगर शादी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल इन सर्टिफिकेट इज द मेंटेन रूपा देवी एंड आफ्टर मैरिज इफ द सेम गॉट देवी एंड पोस्ट मैरिज द सेम गॉट चेंज रूपा देवी चतुर्वेदी, तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट इज सेम इन स्कैन इन वन सिंगल फील्ड। मतलब एक ही जगह पे मैरिज सर्टिफिकेट अकाउंट वगैरह को एक ही जगह स्कैन करके अपलोड कर देना है, इनका तो एकदम आसान है। और दूसरा है, एक क्वेश्चन आया कि सर नॉमिनी और डिपॉजिटर, एक मिनट, इन केस इन्वेस्टर एंड नॉमिनी दोनों डेड हो जाए। एक क्वेश्चन आया कि इनके मेरा मतलब दोनों डिपॉजिटर एंड नॉमिनी दोनों एक्सपायर हो गए हैं, कैसे क्लेम किया जाए प्लीज़ बताइए। तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए मैं इसके बारे में बताया हूँ लेकिन फिर आज बता दे रहा हूँ कि अगर दोनों लोग डेड कर गए हैं, दोनों लोग डेथ है, तो आप नॉमिनी के नाम से क्लेम भर दीजिए। मैं ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही समझा दे रहा हूँ। आप नॉमिनी के नाम से क्लेम फॉर्म भरेंगे और जब पूरा क्लेम भर लेंगे तो जब अकाउंट डिटेल भरना होगा तो जो लीगल हायर होंगे यानी कि जो वारिस होंगे उनका अकाउंट नंबर वगैरह डालना है, नाम डालना है, और उनका एक चेक कॉपी होगा, वो चेक कॉपी कैंसिल करके वहाँ पे डाल दीजिएगा। और जो नॉमिनी और डिपॉजिटर दोनों लोगों की डेथ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे, जो डेथ सर्टिफिकेट का जगह है वहाँ पे इशू कर लगा दीजिए, अटैच कर दीजिएगा, तो आपका आराम से पैसा आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है
कि लोगों ने पूछा है कि सर इसका डेट कब तक है, तो डेट तो अब बहुत है, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी डेट अब खत्म कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जब तक डेट है नहीं तो ये कभी भी इस डेट को हटाया जा सकता है। आपको मैं दिखा दूं कि डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स हैज बीन एक्सटेंडेड बाय कमेटी GFIL टिल फर्दर ऑर्डर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स हैज बीन एक्सटेंडेड बाय कमेटी GFIL टिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब कि इसका डेट बढ़ गया है, आप भर सकते हैं, और आप अभी जितना जल्दी हो भर लीजिए, ये कभी भी खत्म कर दिया जा सकता है। इसका कोई वो नहीं है कि अब कब तक ये रहेगा, क्योंकि ये लोग तो दिसंबर तक पैसा भी देने की बात किए थे, लेकिन अभी तक दिसंबर आ गया, पैसा भी नहीं दिए। और कभी कभार ये हो रहा है कि सर्वर एरर आ जा रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरा करिए। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, सर अकाउंट में GFIL में पेमेंट आनी शुरू हो गई है क्या? ये बहुत ज़्यादा आया है तो मैं बता ही दिया। और दूसरा, एक क्लेम के लिए रजिस्टर कर दिया है, अब उसमें एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी करेक्शन इसमें नहीं हो सकता है। आपने एक बार जो फॉर्म भर दिए, अब कुछ नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे विथ ऑल फॉर्म, बट कंपनी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, उसका कोई हल बताओ। तो भाई मैं बता दूं कि उसका कोई हल क्या बताऊं, अभी तो जो पहले 2006 तक जो भी अपने मूल प्रति भेज चुके हैं उनका तो कुछ हल ही नहीं आया, तो इसका क्या हल बताऊं? आप भेज दिए हैं, थोड़ा सा वेट करिए, आपका जरूर हो जाएगा। ये जब पैसा भेज देंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का कुछ होगा। और एक है, इन्वेस्टर और नॉमिनी दोनों एक्सपर्ट होने पर क्लेम प्रोसेस क्या है? ये तो मैं अभी बता ही दिया। तो यही कुछ थे क्वेश्चन, यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है उनका, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर बहुत लोग मांगते हैं कि कॉन्टैक्ट बता दीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, तो कॉन्टैक्ट में जाएंगे और ये यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, यहीं से आप जो भी करना हो, मेल या नंबर पर कॉल करना या एड्रेस पर भेजना हो, भेज सकते हैं। हाँ, इसका मैं पिन कोड भेज दूँ, बता देता हूँ, इसका पिन कोड है 140501, पिन कोड है 140501। और दोस्तों, मैंने बोला था कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, तो बहुत सारे दोस्तों ने कि ये पूछा है कि सर अमाउंट कब तक आएगा, अमाउंट कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसमें मेरा कोई पैसा फंसा वसा नहीं था, और ना ही मैंने इसमें कोई क्लेम फॉर्म भरा है कि मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो अपना अकाउंट नंबर दिया नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास जिसका पहले आ जाए, कि किसी का भी कोई भी इन्वेस्टर हो, उनके अकाउंट में अगर पैसा आ जाए और उनको मालूम हो जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ग्रुप में या मुझे पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मेरा अकाउंट में पैसा आ गया है बाई गोल्डन फॉरेस्ट कमेटी के तरफ से, ताकि मैं और इन्वेस्टर को बता दूँ, बता सकूँगा कि हाँ भाई अब पैसा आना शुरू हो गया है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।